जाट आरक्षण आंदोलन का सिर्फ इनेलो ने किया समर्थन। अभय चौटाला। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज अपने संबोधन में जाटों को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास करते हुए कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के समय इनेलो को छोड़कर सभी दलों ने छुप जाने का काम किया था। इनेलो ही एक ऐसा दल था जिसने आरक्षण के दौरान धरने पर जाकर अपना समर्थन देने का काम किया था। चौटाला आज यहां पार्टी कार्यालय में आयोजित रोहतक लोकसभा के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तब सारे राजनीतिक दलों के लोग जो है उस आंदोलन से मुंह फेर चुके हैं। कोई भी राजनीतिक किसी भी पार्टी का व्यक्ति ने जाकर के उस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। अगर उसका समर्थन किसी ने किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जेल में बैठे बैठे हमें बुलाकर ये कहा था कि आज इस डाक आरक्षण आंदोलन के नाम पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के एक समाज को एक वर्ग को कमजोर करना चाहते हैं। हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी जाति विशेष के साथ अगर कोई राजनीतिक अन्याय हो रहा है तो फिर हमें उसके साथ खड़े होकर के उसका न्याय करवाना चाहिए। और उस आरक्षण आंदोलन के दौरान अगर किसी ने जाकर के जाट आरक्षण आंदोलन में खुले रूप से समर्थन करने का काम किया तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जिसने खुले रूप से समर्थन किया। आज की मीटिंग में कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे हमने कि किसको पार्टी का उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ाया जाए। कार्यकर्ताओं ने जहां अपनी तरफ से नाम और सुझाव दिए वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर इस बात को लेकर के उनको अथोराइज किया कि वो जिसको उम्मीदवार बना करके भेजेंगे हम उसके साथ तन मन धन से उसकी मदद करेंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि उम्मीदवार को वहीं लेट क्यों किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम 15 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे मीटिंग करके 15 तारीख को ही सब उम्मीदवारों की नामों की घोषणा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी गठबंधन को लेकर अटकलें चल रही हैं, आप सिर्फ इतना क्लियर कीजिए क्या आप पक्ष में हैं भाजपा से गठबंधन को लेकर? ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे है, ना तो हमने किसी के साथ जाकर के गठबंधन की बात चलाई, ना हमने ये कहा कि कोई आप आकर के हमारे से गठबंधन करे, ना हमारे से किसी राजनीतिक दल ने बात करी। हम 10 की 10 की सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े करें।